क्या आप भी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंड वीएलडीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आज ही डाउनलोड कीजिए पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव क्लासेस, साथ में ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट सीरीज एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है, 6 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है और साथ के साथ वीएलडीए के लिए भी आपके लिए कोर्स वहां पे बनाया गया है। और हमारी जो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे जो कोर्स है उनकी फीस हमने बहुत ज्यादा कम रख रखी है, ऑफलाइन के कंपेरिजन में आपको 4 से 5 गुना कम फीस यहाँ पे ली जाती है और 4 से 5 गुना ज्यादा मेटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आपके पसंदीदा कोर्स। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का। और जैसा कि आप सब जानते हो अपनी 2022 HAUBSC के एग्रीकल्चर 4 ईयर के एग्जाम के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, ये 3rd पार्ट फिजिक्स का आज मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, पिछले 2 पार्ट्स में हम पहले 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और इस 3rd पार्ट में मैं कंप्लीट करवा दूंगा नेक्स्ट बचे हुए 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इस पोर्शन में कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे तो ये थोड़ा पार्ट छोटा भी रह जाएगा, एंड जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था जिसमें ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आए हुए थे वो आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बड़े ही डिटेल में करवा दिए हैं। तो आई होप कि आपने उन वीडियोज़ को देखा होगा, खुद से एक बार चेक भी किया होगा सॉल्यूशन और आपने खुद से सॉल्व भी करके देखा होगा और आपको क्लियरिटी मिल गई होगी एक अच्छी सी कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है और एग्जामिनर का मोटिव क्या है। ठीक है, तो लास्ट में इसके बाद पेपर के बाद मैं 5 मिनट में एनालिसिस आपको भी दे दूंगा कि मेरे को कैसा लगा पेपर करने में, एंड देन उसके बाद अपना ये सॉल्यूशन ख़त्म करेंगे। ओके, तो पार्ट 3 में चलते हैं। 30 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके थे, नेक्स्ट आपका 31st क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है 31st क्वेश्चन? अब ये मैंने कहा था ना थ्योरेटिकल पोर्शन से आपके लास्ट पार्ट में आए थे या मतलब क्वेश्चन पेपर में लास्ट में जो मेरे पास सेट आया था उसमें कुछ इस टाइप से पैटर्न नजर आ रहा था। तो ये थे मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सीरीज एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जो है वो हाफ है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इस सब को छोड़ो कि हाफ है 3/4 है, कहने की बात ये है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है ना। तो आप लोग जानते हो या अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि एलसीआर सर्किट में बेसिकली जो आपका नेट इम्पीडेंस मिलता है वो 3 तरीके से डिसाइड होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है सर्किट की वो किस टाइप से एडजस्ट हो रही है ना। तो सबसे पहले आप जानते हो कि हम एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, मैं पूरा एलसीआर तो नहीं समझाऊंगा बट एक मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ कि सीरीज एलसीआर सर्किट में आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन चेक करते हो कि उसके हिसाब से हमारा रिएक्टेंस या मतलब टोटल नेट इम्पीडेंस कैसे जा रहे हैं सर्किट के अंदर। तो आप लोग जानते हो कि जब भी हमारा सर्किट एलसीआर सर्किट में ऑपरेट हो रहा होता है एलसीआर फॉर्म में, तो जब हमारा इनपुट जा रहा होता है तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जिसमें एलसीआर सर्किट का सारा इम्पीडेंस, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि सारा का सारा रेजिस्टेंस जो भी ऑफर्ड हो रहा होगा सर्किट को उस फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा होगा, जो रेजिस्टर आपका लगा हुआ है एलसीआर सर्किट में उसी की वजह से आ रहा होगा और उसी को हम क्या बोलते थे आपका एलसीआर सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। अब उसमें 3 केस बनते थे, अगर आपका ओमेगा ओमेगा रेजोनेंस के बराबर है तो आपका जो रिएक्टेंस है जो आपका इम्पीडेंस है वो सिर्फ आर की वजह से है, लेकिन आप जानते हो अगर ओमेगा आपका लेस देन आपका ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी छोटी है ओमेगा की वैल्यू तो सर्किट आपका क्या होता है कैपेसिटिव होता है। सर्किट क्या होता है? कैपेसिटिव होता है, मतलब कैपेसिटिव इम्पीडेंस की डोमिनेंस ज़्यादा होती है सर्किट के अंदर। ओके, कैपेसिटिव होते हैं और आप लोग जानते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब कैपेसिटिव की जो आपका मतलब इम्पीडेंस होता है जब भी आप सर्किट में फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे वो कम होता चला जाता है, तो इस केस में आपका जो सर्किट है वो कैपेसिटिव नेचर में चला जाएगा। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में चला जाएगा। इसी का नेट उल्टा बिल्कुल ओमेगा रेजोनेंस में क्या होता है, रिएक्टेंस जो है आपका या नेट इम्पीडेंस जो है आपका इंडक्टिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसने 1/2 बोला हुआ है, 1/2 ऑफ ओमेगा रेजोनेंस,
तो ओमेगा रेजोनेंस अगर आपका कुछ है ठीक है, तो आपकी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा ओमेगा रेजोनेंस बाय 2, तो छोटी होगी ऑब्वियसली वैल्यू है, तो आपका सर्किट जो है यहाँ पे क्या चला जाएगा, कैपेसिटिव चला जाएगा। अच्छा, एक लोग आप लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा होगा, अगर आपके एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से, है ना, इस टाइप से मैं अभी रफली बना रहा हूँ। यहाँ आपको ओमेगा रेजोनेंस आता था, जहाँ पे रेजिस्टेंस सिर्फ आपका ऑफर्ड किससे हो रहा है, रेजिस्टर से हो रहा है, ये आपका कैपेसिटिव नेचर का होता था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आपका नेचर कैपेसिटेंस कैपेसिटिव हो गया, और कैपेसिटिव में रिएक्टेंस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से घटता रहता है। लेकिन जैसे ही ओमेगा रेजोनेंस आपने पार किया, सर्किट क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया। इंडक्टिव सर्किट में जब जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सोर्स की, आपका इंपीडेंस भी बढ़ता चला जाता है। ये देखो ये वाला चल रहा, तो क्वेश्चन इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस ग्राफ में इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटिव होगा। ओके, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाया तो टाइम लगा, अदरवाइज जिसको पता है अच्छे से उसके लिए सिर्फ एक 5-10 सेकंड में टिक करने का काम था बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईएम वेव का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कह रहे हैं, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप एंड 2i कैप j कैप। ओके, तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी साइन वेव होगी, ठीक है हम समझ गए, लेकिन जो प्रोपगेशन वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है आपका ई वेक्टर, जो मैं अगर आपको सिंपल डिनोट करूँ तो उसने कहा है आई कैप में, मतलब एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कहाँ जा रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज 2i कैप - 2j कैप। फिर ये कह रहा है वट इज द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये कह रहा है कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन निकाल दो आप, ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन में भी यूनिट वैक्टर निकालो, सिर्फ एक वैक्टर निकाल के मत दो, उस डायरेक्शन में क्या इनमें से कोई एक यूनिट वैक्टर है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो प्रोपोगेशन ऑफ जो हम कहते हैं कि वेव कहाँ जा रही है, तो हम पॉइंटिंग वैक्टर से निकालते हैं, दैट इज एस वैक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यही करते थे ई एम वेव का डायरेक्शन, जो ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लो, आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यू पुट करो 1 0 0, यहाँ पे वैल्यू आपके नीचे आ गई 2 - 2 0, सॉल्व करो क्या आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, आई कैप में चले 0, जे कैप में चले 0, के कैप में वैल्यू आ जाएगी प्रोपगेशन की, क्या है के कैप में प्रोपगेशन की वैल्यू, -2 - 2, तो 2k कैप आपका आ रहा है प्रोपगेशन वेक्टर। तो जो आपकी ई एम वेव मूव कर रही है वो एक्स डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और -2 उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसने यूनिट वेक्टर पूछा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर दो, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, -2k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा, तो -k कैप जो आपका आएगा यूनिट वेक्टर वो आपका होगा आंसर। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इतना टाइम लगता भी नहीं। अगला फिर से ई एम बी एफ से और थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अभी क्या पता ये मेरे वाले सेट में जो मेरे को प्रोवाइड हुआ उसमें था या हर एक सेट में ऐसे कहानी थी, लेकिन वो एक ट्रेंड है ना कि पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देखा करो फिर सॉल्व किया करो, तो वही वाली बात है, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन से स्टार्ट मत कर दिया करो। क्या कह रहे हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड माइक्रोवेव अल्ट्रावायलेट और गामा रेज, बता दो भाई वेवलेंथ का ऑर्डर, सबको पता है गामा रेज है सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ होगी इसकी। ओके, देन आपका सबसे ज़्यादा इसमें होगी क्या, माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव की सबसे ज़्यादा आपकी होती है वेवलेंथ, तो ऑप्शन कैंसिल कर लो, सी तो कट गया, ए भी कट गया, बच गया सी बी और डी, बी और डी में डी भी कैंसिल हो गया क्योंकि गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन कैंसिलेशन से ही मैंने क्वेश्चन ही सारे कर दिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, माइक्रोवेव देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यूवी देन गामा, सिंपल सा ऑर्डर आप इसकी ई एम वी एफ के टेबल में देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर से ई एम वी एफ का क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बार दे दी, पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बता दो वेक्टर वाइज। ओके ठीक है, इसको बोल जाओ, एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से प्रोपगेशन वेक्टर या फिर पॉइंटिंग वेक्टर निकालना आसान हो जाता है, बट कई बार होता है कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं देन अब डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, तो एक बार आपको एक चीज़ दिखाता हूँ,
मान लो, सुनना मेरी बात, मान लो आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वेश्चन पेपर वाले ने दे दी कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस ईएम वेव की, दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट, साइन की फॉर्म में है, वैसे तो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स टर्म मैं नहीं बता रहा, सिंपल साइन फॉर्म में बता रहा हूँ, दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, या आप ले लो के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ओके। देन यहाँ पे कोई एक एन कैप वेक्टर ले लो, एन कैप, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होगा वेव का, दैट इज गिविंग आवरसेल्फ द मैग्नीट्यूड, ये हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है वेव का, ओके। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? एन कैप, ठीक है। यहाँ पे आई कैप जे कैप या आई कैप जे कैप या कुछ भी डायरेक्शन में आपको यहाँ पे एक वेक्टर से पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। वेव की प्रोपागेशन अगर आपको चेक करनी है, वेव की प्रोपागेशन चेक करनी है, यहाँ मैंने के एक्स लिखा है, यहाँ मैंने के एक्स लिखा है, तो जो भी के साथ वाला होगा, के साथ वाला, जैसे यहाँ पे के जेड होता या के बाय होता, प्रोपेगेशन ऑफ वेव भी उसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मेरी ई एम वेव मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, कंप्लीट ई एम वेव जो कपलिंग हो रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो फिलहाल इस केस में एक्स डायरेक्शन में है। जनरल फॉर्म में बात करूँ तो जनरल फॉर्म में कुछ इसको ऐसे लिखते हैं हम, के डॉट आर, जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं इसको के डॉट आर वैक्टर, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है के वैक्टर का और आर वैक्टर का, ओके, समझ गए ये बात, ओके। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा फंडा ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी वेक्टर, वो होगी आपकी ई नोट बाई सी, या आप लोग जानते हो पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेशन जानते हो, ई नोट बाई सी, साइन के फॉर्म में ही होगी आपकी, सेम फेज में मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वही फेज का जो पार्ट है वो वही का वही आएगा एज इट इज, माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ डायरेक्शन वाला पार्ट लिख रहा हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन जो होगी दैट इज के क्रॉस एन वेक्टर, दैट इज के क्रॉस एन वेक्टर। के क्रॉस एन वेक्टर कहाँ से आया सर? सर एन वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, के वेक्टर जो वेव की प्रोपगेशन का होगा। तो मेरे को यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? अब सर मुझे के क्रॉस एन ही कैलकुलेट करना है ना, तो कर लो, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप अपने को वेव की मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी सर? देखो के वेक्टर यहाँ से क्या पता लग रहा है सर? सिर्फ जेड में है मेरा के वेक्टर, है ना, सिर्फ जेड में है मेरा के वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू 0 0 1, ओके। सर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो मैंने एन लिखा है, एन वेक्टर कहाँ से पता चलेगा? इधर देखो कौन सा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, सर ये एक्स कैप वाई कैप, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन ही लगा रखा। चलो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ, अभी मेरे को नहीं पता यहाँ प्लस माइनस था या क्या था, इन्होंने मिस प्रिंट कर रखे। ये एक्स कैप प्लस वाई कैप है, तो आपको एन वेक्टर मिल गया एक्स कैप और वाई कैप, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 1 0, ठीक है। अब के क्रॉस एन कैलकुलेट कर लो, क्या आ रहा है के क्रॉस एन आपका, चेक करो क्या आ रहा है। आई कैप में वैल्यू आ रही है माइनस एक्स, ठीक है, या माइनस आई कैप, आई कैप में वैल्यू आ रही है माइनस आई कैप, जे कैप में वैल्यू आ रही है माइनस का यानी प्लस का जे कैप, और के कैप में वैल्यू आ रही है जीरो। तो ये आपकी के क्रॉस एन की वैल्यू आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी इस यूनिट वेक्टर की फॉर्म में डायरेक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, ओके। अब ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, तो माइनस एक्स और प्लस वाई में वेव चल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड वाली, तो माइनस एक्स प्लस वाई में यहाँ नहीं चल रही, यहाँ भी नहीं चल रही, यहाँ भी नहीं चल रही, ऑप्शन बी आंसर। ई नोट बाई सी, आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, उसे के डिवाइड बाई सी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, साइन की फॉर्म वही रहेगी सेम फेज के साथ, डायरेक्शन अभी हमने यहाँ से निकाल ली, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। चाहो तो चेक करने के लिए क्या करो, ई वेक्टर की डायरेक्शन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, बी वेक्टर की डायरेक्शन भी आपको मिल गई, ई क्रॉस बी कर लो, जेड ही आएगी, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोर मॉडल से है, ठीक है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व में रिप्रेजेंट रेडियस ऑर्बिट इन एच एटम हाइड्रोजन एटम एज ए फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपकी जो क्या कहते हैं रेडियस है कैसे डिपेंड होती है। सर हम जानते हैं कि जो हमारी रेडियस होती है आर इज इक्वल टू एन स्केयर अपॉन जेड आर नोट के इक्वल हमारा फॉर्मूला होता है। तो साफ पता लग रहा है सर हमारा आर है वो एन स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ़ जेड इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो क्या हाइड्रोजन एटम है जेड की वैल्यू 1 होगी तो मेरा जो रेडियस है ऑफ किसी भी ऑर्बिट का वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा पैराबोलिक बनेगा। ठीक है पैराबोलिक यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो कहाँ दिख रहा है ये कौन से उसमें दिख रहा है अपने को सर सी में नहीं दिख रहा ये वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का पैटर्न है तो सी ऑप्शन कैंसिल। ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाई इज इक्वल टू 1/x का पैटर्न है ये वाला अपना आंसर होगा। ये आपका पैराबोलिक पैटर्न आपको देखने को मिल गया। ठीक है इज इट ओके थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो इजीली आपने चेक कर लिया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन न्यूक्लियाई से है क्या कह रहे हैं चेक करते हैं। न्यूक्लियाई पे है एक्टिविटी एक्टिविटी पे है शायद ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं चलो पढ़ते हैं। ये कह रहा है द एक्टिविटी ऑफ ए सर्टेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीजेस टू 15%। मतलब एक न्यूक्लियाई है ठीक है वो 10 दिन में ख़त्म होता हुआ मतलब डिके करता 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 लास्ट में 15% ही बचता है यानी 85% 10 दिनों में ख़त्म हो रहे हैं है ना कि भाई 85% 10 दिनों में वो चीज़ ख़त्म होगी। तो पूछ रहे हैं उसकी हाफ लाइफ कितनी है वो पूछ रहा है उसकी हाफ लाइफ कितनी है। अच्छा मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बेस बना देता हूँ। एक्टिविटी की बात हो रही है एक्टिविटी की बात हो रही है तो फीलिंग भी आती है कि एक्टिविटी वाला एक फॉर्मूला लग जाएगा तो आप लोग जानते हो ये एक फॉर्मूला है ना इनिशियल एक्टिविटी ए नोट ठीक है फाइनल एक्टिविटी और 1/2 की पावर एन यानी कि कितनी हाफ लाइफ एन टाइम्स तक लगेंगी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो मैं अभी पूरा इसकी थ्योरी नहीं बता रहा सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। और एक क्यों मेरे को लगा क्योंकि यहाँ एक्टिविटी दी हुई है हाफ लाइफ पूछने की बात कर रहे हैं और साथ में एक इन्फॉर्मेशन दी एक्स्ट्रा कि 85% 10 दिन में वो ख़त्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना डिक्रीजेस टू 15% यानी 85% ख़त्म हो चुका। ओके तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बात है। तो अच्छा एक बात बताओ इनिशियल एक्टिविटी कितनी होगी सर ए नोट होगी इनिशियल। इनिशियल एक्टिविटी ए नोट का मतलब क्या हो गया सर शुरू में वो 100% था पूरा का पूरा शुरू में 100% वो मतलब अपना कैप क्या बोलते हैं इनिशियल स्टेज पे था जब वो एक टुकड़ा लेके आए न्यूक्लियाई का। ओके अब वो सर डिके करना स्टार्ट किया तो 1% से डिके करेगा या मतलब लगा लो एक अंदाज़ा कि वो डिके करना स्टार्ट किया तो 1% की वैल्यू जनरली कितनी आ गई आपकी सर ए नोट बाय 100 आ गई ना ए नोट बाय 100% तो 85% उसने ख़त्म कर दिया 85% उसने ख़त्म कर दिया यानी कितना ख़त्म हो गया सर 85 ए नोट बाय 100 इतना सर उसने ख़त्म कर दिया। ओके तो फाइनल क्या होगा फाइनल एक्टिविटी क्या होगी सर ए क्या होगी फाइनल एक्टिविटी सर ए नोट इनिशियल था ख़त्म कर दिया 85 ए नोट डिवाइड बाय 100 तो कितना आ गया ये कितनी आ गई वैल्यू ये कितनी आ गई सर आ गई 15 ए नोट बाय 100 तो सर फाइनल मेरा इतना कुछ सामान बच गया इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पे क्या आ गया कितना आ गया सर 15 ए नोट बाय 100 यहाँ पे ए नोट था ही 1/2 की पावर एन सॉल्व कर लो इसको सर ए नोट कैंसिल ये 5 × 15 × 5 × 2 ये आ गया 2 की पावर एन इंटू में 20/3 ये आ गया। हाँ जी यही आ गया। ओके इसको आगे सॉल्व करूंगा तो आएगा ये एन लॉग ले लो 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20/3। अब ऐसे अभी मेरे पास ना लॉग टेबल है ना मेरे को लॉग की वैल्यू याद है चेक करके देखते हैं कैलकुलेटर से यहाँ पे एक मिनट को साइंटिफिक कैलकुलेटर है कि नहीं है यहाँ पे तो क्या कह रही है एक मिनट रुको वाओ है क्या इसमें लॉग वगैरह
छोड़ो मैं फोन में चेक कर लेता हूँ, यहाँ मुझे नहीं दिख रहा लोग वगैरह। यार एक मिनट रुको, सब कैंसिल करते हैं। देखो क्या है लॉग की वैल्यू, लॉग ऑफ 20 डिवाइड बाय 3, तो इसकी लॉग, इसकी वैल्यू ले ले लॉग में, तो आ रहा है 0.82। ठीक है, 0.82 आ रही है लॉग की वैल्यू, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये कुछ वैल्यू आएगी आपकी 0.8 डिवाइड बाय 0.3, लगभग कितना, एक बार मैं फोन में चेक कर लेता हूँ। ये लगभग आएगी आपकी n की वैल्यू लॉग ऑफ 0.8 डिवाइड बाय 0.3, 3, 8, 3। या तो हमने वैल्यू गलत पर कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू लगभग आएगी 2.7 कुछ। ठीक है, 2.7 कुछ आएगी। अब टाइम कितना दिए हुए अपने को, 10 दिनों में एक काम हुआ था, तो n की वैल्यू से डिवाइड कर दो, अपने को हाफ लाइफ मिल जाएगी टाइम डिवाइड बाय n, यानी 1/2 क्या है, 10 डिवाइड बाय 2.7 कितना आएगा, थ्री पॉइंट सेवन जीरो है। कहीं मैच कर रहे हैं क्या, सारे क्लोज दे रखे हैं, ये ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, इसको एक बार घर पे करके देख लेना कैलकुलेटर से या लॉग टेबल से, मेरे शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट यहाँ पे 3.7 यानी 3.65 के आसपास आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, ओके। अलग अलग कैलकुलेटर में थोड़ा सा अलग अलग वैल्यू आ रही है, मेरे फोन में दिखा रहा है 3.67 और यहाँ दिखा रहा है 3.7, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना बाद में, यहाँ वाली कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया बता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रेगुलेशन एक्शन ऑफ जीना डायोड के रेगुलेशन के एक्शन में। ये प्योर आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी सेमीकंडक्टर में, कटा हुआ सिलेबस में मेरे को नहीं पता, लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जीना डायोड आपका पता लगेगा कि आपका हाईली डोप नेगेटिव बायस में चलने वाला डायोड है। 3 तरह के एक्शन होते हैं इसके अंदर, वोल्टेज रेगुलेटर का भी, तो उसमें उसी की बात कर रहे हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेटर का जो एक्शन है उसमें आपका क्या क्या होता है, कुछ चेंज होता है क्या इनमें। तो ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस गिवन बाय द जीना डायोड चेंज होता है, तो यस ये होता है। ठीक है, वोल्टेज सेम रहती है, यही तो काम करता है ना कि वोल्टेज सेम रखना, कांस्टेंट रखना वोल्टेज को, तो करंट चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन ही सही है कि करंट मतलब रेजिस्टेंस है आपका जीना डायोड का चेंज होता है व्हेन एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आगे बढ़ते हैं, द एमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज द मोस्ट डोप्ड बिकॉज, मोस्टली डोप्ड आएगा एमिटर को भाई ट्रांजिस्टर में मोस्टली डॉप क्यों करते हैं, बिकॉज यही तो चार्ज कैरियर क्रिएट करता है ना, यही चार्ज कैरियर क्रिएट करता है, बेस से होते हुए कलेक्टर होते हुए आपका ये एक्शन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ही ऑप्शन आएगा सर, ये एक्ट एज ए सप्लाई ऑफ चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर ये क्रिएट कर पाए इसलिए तो इसको हैवी डॉप किया जाता है। तो एमिटर का जो ये ऑप्शन है नंबर वन इस तरह सप्लाई ऑफ चार्ज कैरियर। अगला क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट वायर है लेंथ 0.5 मीटर कैरिंग ए करंट 1.2 एम्पीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 टेस्ला। तो ये कुछ ये कह रहे हैं कि मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कुछ ऐसे, यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली बात है पैरेलल लाइंस बनाएंगे 2 टेस्ला की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपकी जा रही है, ओके। तो ये कह रहे हैं इसमें बीच में एक रोड पड़ी है, ये मैंने लगा दिया आपकी रोड, ठीक है, रोड में करंट जा रहा है कहीं आई, लेंथ इसकी एल है, तो ये पूछ रहा है आपके उस पे फोर्स कितना लगेगा। फॉर्मूला है आप जानते हो, दैट इज बी इंटू आई इंटू एल, असल में ये एल इफेक्टिव होती है, ठीक है, और आपने अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ा तो ये बी इंटू आई क्रॉस एल होता है, फोर्स ऑन ए
करंट कैरिंग रोड, ठीक है, या कंडक्टर रोड, कंडक्टिंग रोड अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 टेस्ला, 1 एम्पीयर करंट, एल इफेक्टिव कितनी दी हुई है, करंट 1.2 है, सॉरी करंट 1.2, एल इफेक्टिव दी हुई है 0.5। कितनी आ रही है फोर्स की वैल्यू, 24×5 120, 1.2 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज अ रेडियस आर। करंट कैरिंग कॉइल है, बना लेते करंट कैरिंग कॉइल, ये मेरी करंट कैरिंग कॉइल है, ओके, इसमें क्या है, करंट को जा रही है, आपकी एक्सिस बना दी मैंने, ये आपकी एक्सिस बना दी, बात कर रही है जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो ये कह रहा है कि ऐसा डिस्टेंस बताओ यहाँ से यहाँ पे, एक्स डिस्टेंस कुछ ऐसा बताओ कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश, वो सेंटर पे जो होगी उसका 1/8 होगी। मतलब यहाँ पे सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक रिंग की वजह से, दैट इज सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ऑफकोर्स बिल्कुल सही सर। तो सर बी डैश क्या है एट ए डिस्टेंस एक्स, सर वो होती है सर म्यू नॉट आई अपॉन 2, म्यू नॉट आई आर स्केयर अपॉन 2, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर 3/2, ये होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बात कर रहे हैं कि सर बी नॉट की 1/8 होनी चाहिए एट डिस्टेंस बी डैश, तो बी नॉट बाय 8 आएगा। तो बी डैश की वैल्यू कितनी है सर, म्यू नॉट आई अपॉन आर स्केयर अपॉन 2 आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर 3/2 अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू में 1/8। इसको सोल्व कर लो, क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू निकालनी हमने, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, ठीक है, ये आएगा आपका 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आएगा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 8 आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 8 आर क्यूब आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, ऊपर आर स्केयर आता है या आर आता है, आर स्क्वायर आता है, कोई नहीं, स्क्वायर ले लो दोनों तरफ, स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ, स्केयरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो क्या आएगा, स्केयरिंग बोथ साइड करूंगा तो आएगा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3, ये आएगा 64 आर की पावर 6। अब क्यूब रूट ले लो, ये आएगा 4 आर स्केयर, ये आएगा आर स्केयर एक्स स्केयर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3 आर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि एट एक्स के वैल्यू √3 आर पे आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1/8 हो जाएगी एट द सेंटर जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म फिर से, तो अ रिंग ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज, ठीक है, कुछ कह रही है, ये कह रहा है कि एक रिंग है, ओके, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, रेडियस कितना है, इसका रेडियस क्या है, आर है, छोटा आर या आर मान लेता, ये रेडियस कर रही है रिवॉल्व, घूम रही है ऐसे, ठीक है, घूम रही है, तो भी सही बात है, एक चार्ज ही घूम रहे, तो ये पूछ रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन बताओ सेंटर पे कितनी आएगी। सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग जानते हो क्या सर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल आर, यहाँ पे क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 स्मॉल आर सेंटर पे। अब बात हो रही है कि आई कैसे निकालूं, करंट कैसे निकालूं, तो हम जानते हैं सर आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, तो क्यू तो मिलकर टाइम कैसे निकालूं सर, कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है ना, कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है, ओके, तो ओमेगा क्या होगा सर, 2π का एंगल कवर हो रहा है, 2π का एंगल कवर हो रहा है टी टाइम पे, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 2π/ओमेगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई सर, क्यू अपॉन 2π, यही होगा, हाँ जी, वो करा हुआ ना आपने सर्कुलर मोशन में,
ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, तो थीटा कितना कवर हो रहा है फुल रिवोल्यूशन में, 2 पाई। तो करंट की वैल्यू आ गई, इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पे, क्या रहा है बी इज इक्वल टू म्यू नोट इन टू क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। देख लो कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू ओमेगा बाय आर, ऑप्शन ए क्यू ओमेगा बाय। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ एल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट एम। ओके, एक स्टील वायर है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम है। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट एम है यानी कि पोल क्या है इसका, माइनस एम एम। लेंथ एल है तो हम लोग जानते हैं कि एम एल मैग्नेटिक पोल इंटू में लेंथ इज इक्वल टू आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम। इसको सेमी सर्कुलर आर्क में ऐसे कुछ बना दिया है ना, तो ये आ गया आपका आर। तो एम इंटू एल इफेक्टिव क्या होगा आपका, ये आपका अगेन माइनस एम, ये आपका एम, ये आपका होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, एल इफेक्टिव क्या है आपकी, सर एल इफेक्टिव होगी ये, एल इफेक्टिव होगी आपकी ये वाली डिस्टेंस, यानी एल इफेक्टिव मान जी मतलब आपका 2r। अच्छा अब r आपको कैसे निकालूं, सर जब पाई r, जब 2πr कवर होता है तो l लेंथ कवर होती है, जब पाई r कवर होगा तो l बाई 2 लेंथ कवर होगी, हाँ कि ना, हाँ जी, ओ सॉरी सॉरी, ये तो l लेंथ कवर हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे l लेंथ कवर हो रही है पाई r हाफ सर्कमफेरेंस में। ठीक है तो r की वैल्यू क्या आ गई, सर l अपॉन पाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो r की वैल्यू l अपॉन पाई, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, सर स्मॉल m इंटू l इफेक्टिव कितना आ गया, सर 2l अपॉन पाई आ गया, दैट इज ओके। नाउ स्मॉल m की वैल्यू, क्योंकि कैपिटल m में बात हो रही है, नया m डैश पूछा हुआ है, तो नया m डैश क्या होगा, सर m की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, दैट इज m अपॉन l इंटू 2l अपॉन पाई, l से l कैंसल तो m की वैल्यू आ गई 2m अपॉन पाई, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट आपका 2 कैपिटल m अपॉन पाई होगा। ठीक है आई थिंक ईजी है, हो गया होगा आप लोगों से। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला फिर से मैग्नेटिक का भाई, ऐसा है देख के लग रहा है कि मैग्नेटिज्म से मतलब लगाव है एग्जामिनर को, 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन पिछले वाले में भी पार्ट में भी किए थे शायद, जितना याद आ रहा है, तो ये पार्ट है इंपॉर्टेंट मैग्नेटिज्म वाला, कर लेना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला दोनों। कह रहे दो बार मैग्नेट हैं उनको 90 डिग्री पे रख दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m, इसका m2, वेक्टर यहाँ निकल रहा है, इसका वेक्टर यहाँ निकल रहा है, तो नेट क्या होगा, आप लोग जानते हो वेक्टर एडिशन की तरह ही फॉर्मूला है, नेट आपका मैग्नेटिक मोमेंट 2m1m2 cos ऑफ थीटा, सिंस थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो m की वैल्यू आएगी आपकी m1 स्क्वायर यानी m का स्क्वायर आपकी वैल्यू आएगी √2। इंपॉर्टेंट था मतलब कुछ भी नहीं था आपके लिए, ऑप्शन इसका सी आंसर। ठीक है यह वो क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन अब आएगा, ये वाला क्वेश्चन मजेदार है, इसको करते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब है भाई, ठीक है, रेडियस आर है उसकी, और उसको पानी में डाल दिया, पानी लेवल रेस किया उसने अपना, पानी का लेवल रेस किया उसने अपना एच आई तक, तो ये लो भैया आपका मैंने बना दिया पानी, ये आपका बना दिया यहाँ पे पानी। ठीक है तो कैपिलरी बना देते हैं उसके अंदर अपनी, इसमें अपनी कैपिलरी बना रहा हूँ मैं अब, ठीक है, थोड़ी सी सुंदर सी जैसे ही बनेगी, ये आ गई मेरी कैपिलरी, ठीक है, ये मेरी कैपिलरी आ गई, इसमें पानी आपका यहाँ तक चढ़ गया, ठीक है, पानी आपका यहाँ तक चढ़ गया, रेडियस इसकी आर है, जो कैपिलरी में पानी रेज हुआ दैट इज एच। ठीक है अब आप लोग जानते हो कैपिलरी में जब पानी एच रेज हुआ तो कितने हाइट तक रेज होगा, सर दैट इज 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, वेयर रो इज द डेंसिटी, आर रेडियस ऑफ द कैपिलरी, जी आप लोग जानते हो टी सरफेस टेंशन है, थीटा आपका कॉन्टैक्ट एंगल जो मिनिस्कस आपका सरफेस के साथ बनाएगा, तो उससे अपने को लेना देना नहीं है। ये कह रहा है कि जब है ना नॉर्मल ऐसे कैपिलरी को पानी में डुबाया तो जो हाइट से पानी रेज हुआ वो जो वजन अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो था आपका 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम इसमें पानी आया। ओके अभी कर दिया क्या, कैपिलरी का मुंह थोड़ा क्या कर दिया, कैपिलरी का माउथ कर दिया थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, खुला कर दिया, मोटी कैपिलरी ले आए,
ओके मोटी वाली जो ट्यूब है वो ले आए। अब कह रहे हैं अब पानी का मास कितना होगा, तो पानी का मास का एक बार निकालने का सिस्टम छोड़ो, मेरे को पहले सिंपल सा लॉजिक बताओ। सिंपल सा लॉजिक क्या, एक पतला सा जग ले आऊं, पतला सा पानी का जग ले आऊं, ठीक है ओके, और कह दूं कि इसमें मेरे को ना 5 लीटर पानी डाल दो। ओके तो पतली वाली अपने मतलब बीकर में आपने पानी डाला, तो 5 लीटर पानी कोई एक हाइट अचीव करेगा? आप कहोगे बिल्कुल सर ठीक है। अब मैं वही 5 लीटर पानी एक मोटे गोल बीकर में डालूं, अब बताओ हाइट क्या उतनी अचीव करेगा या कम करेगा? कम करेगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ से बात है वॉल्यूम के कंसेप्ट की। जब आप कोई चीज भरते हो किसी चीज में तो वहां वॉल्यूम का फंडा आ जाता है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, वॉल्यूम का फंडा है, बस दिखावा किया गया है सरफेस टेंशन कैपिलरी से कि आप लोग डर जाओ और भाग जाओ। ठीक है आप लोग डर जाओ भाग जाओ। अब क्यों? एक बात तो ये पतली सी पाइप लेके गए हो, पानी रेज हुआ तो ज्यादा हाइट तक चढ़ा, लेकिन अगर पानी मतलब इस स्ट्रोक को मैं थोड़ा जो भी कैपिलरी इसको थोड़ा मोटा ले लूं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा गोल वाली ले लूं, बड़ी गोल वाली ले लूं, बड़े मुंह वाली ले लूं, तो पानी तो नीचे आएगा ना, हाइट नहीं आएगी, अब वॉल्यूम तो सेम है। ठीक है अपने को कुछ नहीं पता, अपने को इतना पता है क्या होगा एक्शन, सिंपल सा लॉजिक। अब ये देखो फिलहाल अब के केस में ये हाइट वो है जब आपने कैपिलरी को पानी में डाला, पानी रेज हुआ, ठीक है कैपिलरी राइज हुआ। ओके तो मास कितना आया होगा अब के केस में? सर मास नथिंग बट मास क्या होता है सर? मास होता है मेरा, मास तो मास होता है, असल में डेंसिटी क्या होती है सर? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा सर? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यही तो होगा। मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये कैपिलरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो कहानी भी कैसी होगी वॉल्यूम की? सर सिलेंड्रिकल होगी। कैसे सर? मास जो होगा वो होगा डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों सर? सिलेंड्रिकल ट्यूब है, यानी जो इतना हिस्सा है ये सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल है, तो अब सिलेंड्रिकल जो भरेगा तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में ही तो आएगा। तो मास क्या है आपका सर? रो इंटू पाई आर स्क्वायर, जानते हो टेंथ में पढ़ा हुआ है। अभी एच कितना कैपिलरी ने राइज किया पानी, तो बस कितना राइज किया कैपिलरी ने पानी सर? 2t cos of थीटा डिवाइड बाय रो इंटू आर इंटू जी, रो इंटू आर इंटू जी, खत्म। अब मास क्या आ गया? मास को क्या आ गया आपका? कुछ लिख दो, दो से रो कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, ठीक है। तो सबको छोड़ो, कुछ तो कहानी है जो भी करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात पता चली, मास जो है आपका डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर, मास जो है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आर के ऊपर, कि कैपिलरी की जितनी रेडियस होगी उसके ही प्रोपोर्शनल में आपका मास आएगा। अब रेडियस को आपने कर दिया डबल, तो मास में तो डबल आएगा, रिलेशन पता लग गया मास का और रेडियस के बीच में, जैसा कि क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अब बोलोगे यस सर, तो बस शक्ल थी सिर्फ सरफेस टेंशन कैपिलरी की, कॉन्सेप्ट वही आप जो टेंथ में यूज करते हो कि पतली सी बीकर में आप 1 लीटर पानी डालोगे तो यहाँ तक चढ़ेगा, मोटा वाला ले आओगे तो पानी कहाँ तक जाएगा, बस वो एक फंडा था कि मास और आर में आपका रिलेशन आ जाए। तो रेडियस आपकी सिंगल थी तो पानी आ रहा था 5 ग्राम, है ना, पहले आपकी मतलब रेडियस आर थी तो 5 ग्राम पानी आ रहा था, रेडियस कर दिया डबल तो पानी भी कितना? डबल, तो 10 ग्राम आंसर। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं, एक और लिक्विड का क्वेश्चन है। लिक्विड का है मतलब भाई एक स्मॉल स्फीयर है ऑपरेटस आर, फॉल करता है रेस्य एक विस्कस लिक्विड में, ये भाई अपना विस्कस लिक्विड है, अपना विस्कस वाला लिक्विड, ठीक है। पानी में गिरती है बॉल, पानी में गिरती है बॉल, ठीक है बॉल है ना स्फीयर, हाँ जी बॉल, ये पानी में मेरी गिरती है बॉल। तो जब ये पानी में गिरेगी हाईली विस्कस लिक्विड में, फटाक से गिरेगी फुल फास्ट, है ना, ठीक है सर। फिर धीरे धीरे क्या होगा आगे जाके? सर आगे जब ये पानी में मतलब जो भी लिक्विड है उसमें जब चली जाएगी ना, तब हमें पता है क्या मिलेगा? एक हमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दिखेगी, जैसे हम मतलब ना पानी में गिरती है, आप लोगों ने एक डेटोल की ऐड देखी होगी, उसमें ना एक आपने देखा होगा कि एक फीलिंग ले सकते हो कि कोई भी लिक्विड पानी की ड्रॉप जो है ना वो पानी में मतलब गिरती है, एक मतलब साबुन की ड्रॉप है, उसकी सोप की जो ड्रॉप है वो नीचे एकदम फास्ट गिरती है पानी में, जब इम्पैक्ट होता है तब तो बड़ा फास्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेप्थ में जाएगी उसकी वेलोसिटी एकदम कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल है ना, हो जाती है ना, वही होती थी आपके टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब ये पूछ रहा है कि जब ये चीज़ हो रही होगी, टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव हो रही होगी, स्फीयर अचीव कर लेगा, तब वहाँ पे ना एक हीट का प्रोडक्शन होगा,
है ना, हीट का प्रोडक्शन होगा, तो वो बताओ जो हीट का प्रोडक्शन होगा ना, वो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जो उसकी जो स्फीयर की जो रेडियस है आर, उस पर कैसे डिपेंड करेगा। तो पहले तो ये देखो कि हीट प्रोड्यूस होती कैसे है। सर, हीट प्रोड्यूस का जो हमारा बचपन से सिद्धांत है, जो हम हिस्ट्री से आज तक पढ़ते आए हैं, घर्षण से, है ना। जैसे दो सरफेस आपस में रब करते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आता है, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो सिमिलरली यहाँ भी वही है, हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट क्या है, एक एनर्जी, एक तरह से हीट क्या है, एक एनर्जी ही है। अब यहाँ पे हीट कैसे निकालूं? सर ऑब्वियस ही बात है, सर लिक्विड जब पानी में गिरेगी तभी तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तभी तो विस्कोसिटी का फोर्स आएगा, आएगा ना, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा यहाँ पे लिक्विड में, जब आपके वो बॉल गिरेगी, गिरेगी तो एक इंपैक्ट आएगा, एक फोर्स आएगा, है ना। सर वो ही फोर्स क्या करेगा, एक पावर जनरेट करेगा, करेगा ना। वो क्या होगा सर, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। वर्क पावर एनर्जी क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप बोलोगे यस सर, और यही पावर क्या होगी, हीट एनर्जी कन्वर्जन में ही तो काम आएगी, आएगी ना, आप बोलोगे यस। तो अब फोर्स कुछ होगा, ठीक है, कुछ होगा, अभी वो देखेंगे कहाँ से आएगा। वी क्या है आपकी सर, जिस वेलोसिटी से वो गिरा है, लेकिन वो बात क्या कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी की। तो ये मैंने डाल दिया आपकी टर्मिनल वेलोसिटी की। तो जब ये बॉल गिरेगी कौन से फोर्स से गिरेगी सर, स्टोक्स लॉ बताता है ये बात। ये क्या बताते हैं हमें, स्टोक्स लॉ बताते हैं कैसे सर, जो जो फोर्स होगा ना वो होगा सर 6 पाई ईटा, ठीक है, 6 पाई, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा होगा, 6 पाई ईटा वी टी स्केयर इंटू में आर, ठीक है। तो पावर क्या होगी, इंटू में वी टी, यही होगी। तो पावर क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी का स्केयर इंटू में आर, क्योंकि आर के डिपेंडेंस पूछ रहे हैं, है ना। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर 2 आर स्केयर माइनस में इनकी डेंसिटीज का डिफरेंस लिक्विड की और बॉल की, डिवाइड में क्या आता है 9 ईटा, यही होता है ना, 2/9 आर स्केयर फोर माइनस सिग्मा, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना। हाँ जी, यहाँ से वी टी आपकी कितनी की आर पे कैसे डिपेंड करिए, स्केयर पे, उठा के इसको यहाँ पुट कर दो, वी टी खुद आर स्केयर पे, पावर वी टी के स्केयर पे, यानी पावर आर की पावर 4 इंटू में आर, यानी पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आर की पावर 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इजी नहीं था बट कोई कोई तो करके आया होगा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, फोर्स निकला स्टोक्स लॉ, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, एंड देन आपका सवाल सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी सेंट वेव्स विच इंटरफेयर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आप लोग जानते हो सर, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या होता है सर, अनरूट आई वन प्लस अनरूट आई टू डिवाइड बाई अनरूट आई वन माइनस अनरूट आई टू का होल स्केयर। हाँ जी, तो आएगा आपका 16/1, ये आएगा आपका अनरूट आई वन प्लस अनरूट आई टू, अनरूट आई वन माइनस अनरूट आई टू, ये आपका स्केयर है। तो यहाँ से पता लग रहा है सर, अनरूट आई वन प्लस अनरूट आई टू डिवाइड बाई अनरूट आई वन माइनस का अनरूट आई टू की वैल्यू आ गई आपकी 4/1। सॉल्व कर लो क्या आ रहा है सर, 4√i1 माइनस 4√i2 दैट इज i1 प्लस √i2, 3√i1 इज इक्वल टू 5√i2, तो i1 अपॉन i2 की वैल्यू आ रही है 25/9। ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल वगैरह में भी आता है। अगला क्वेश्चन है, टू द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इल्यूमिनेटेड बाय टू वेवलेंथ्स 800 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर, द लोएस्ट ऑर्डर यानी लोएस्ट एन की वैल्यू जिसपे मैक्सिमा ऑफ वन वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमा ऑफ वन वेवलेंथ, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है सर, वाई इज इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है, और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ये मैक्सिमम की, ये मिनिमा की कंडीशन क्या होती है सर, एन प्लस 1/2
लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो एक का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमा पे है, यानी एन लैम्डा वन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बराबर होना चाहिए, कौन सा ऐड होना चाहिए एक के ऊपर एक, एन प्लस वन बाय टू लैम्डा टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ ना क्या कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये सेम रहना है दोनों के केस में। यानी बात ये कर रहा है कि अगर ये डबल स्लिट है ना, डबल स्लिट, तो यहाँ पे आपका एक ब्राइट फ्रिंज के ऊपर ही एक दूसरे की दूसरे वेवलेंथ की डार्क फ्रिंज आनी चाहिए, एक वेवलेंथ की ब्राइट फ्रिंज के ऊपर ही दूसरे की डार्क फ्रिंज आनी चाहिए। तो एक की ब्राइट दूसरे की डार्क दोनों को इक्वेट कर दिया, यानी कि कौन सा ऐड करवा दिया उस एन की वैल्यू पे, तब ये पॉसिबल होगा। तो सवाल ये कहना चाह रहा है, आपके सामने मैंने दिखा दिया। तो अब ये डी से डी कैंसिल, ये वाला हिस्सा तो कैंसिल, तो आएगा आपका एन लैम्डा वन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू लैम्डा टू। सोल्व करके देखो क्या आ रहा है, एन इंटू 800 की बात हो रही है लैम्डा वन, और एन प्लस वन बाय टू कितना कितना है 600, ठीक है। काटो वैल्यू, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तीन चार, तो फोर एन इज इक्वल टू थ्री एन प्लस थ्री बाय टू, तो एन की वैल्यू थ्री बाय टू। हाँ जी, ये क्या आ गया, ओके, तो एन की वैल्यू थ्री बाय टू आ गई। दूसरे से करके देखते हैं एक बार, थ्री एन यहाँ से तो भाई इंटीजर में नहीं आई, ऐसा तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। एक काम करो, 600 वाले का मैक्सिमा लेके देखो, 600 वाले का मैक्सिमा लेके देखो कि 600 पे मैक्सिमा रहा है, 600 इंटू एन वन मतलब मैक्सिमा 600 पे, मिनिमा 800 पे, इंटीजर में वैल्यू आ रही है अब, क्योंकि उसने ये मेंशन नहीं किया कि किसकी वेवलेंथ पे मैक्सिमा दूसरे की वेवलेंथ पे मिनिमा पे आ जाए, मेंशन नहीं किया, तो अब दोनों केस लेके देखने पड़ेंगे। पहले में इंटीजर आया नहीं, अब देखते हैं, ये आया आपका 6, ये आपका आया 3n 4n plus 1 by 2, तो ये आ गया आपका n plus 2। अब यहां पे माइनस में आ रहा है, गड़बड़ क्या है, नेगेटिव ऑर्डर का मिनिमा लेके देखने एक बार, अपन पॉजिटिव में मिनिमा ले रहे हैं, इधर का मिनिमा लेके देखना एक बार, माइनस वन बाय टू करके देखो, अब आ रही है वैल्यू, हाँ जी सर अब आ रही है एन की वैल्यू टू। तो ये देखो, सुनो, इसने मेंशन नहीं किया, इसने सिर्फ इतना बोल दिया एक की वेवलेंथ पे मैक्सिमम दूसरे की वेवलेंथ पे मिनिमा पे कौन सा ऐड कर दे, किसका किस पे होगा पता नहीं है, दोनों किस लेके देखे थे जहां पे एन इंटीजर आ जाए वो आपका आंसर था। तो मैंने पहले 800 का मैक्सिमम मैच करवाया 600 के मिनिमा पे, नहीं बनी बात, वैल्यू नेगेटिव में आई, तो दोबारा मैंने क्या किया 600 के मैक्सिमा को 800 के मिनिमा पे मैच करवाया, कौन सा ऐड करवाया मतलब, तब एन की वैल्यू आ रही थी माइनस टू, यानी मिनिमा का केस आपने यहाँ पे एन माइनस वन बाय टू वाला लेना है, यानी कि टू एन माइनस वन वाला जो केस है ना आपका मिनिमा का, वो वाला लेना है, ठीक है। वो सिर्फ ऑर्डर का फर्क होता है कि आप नेगेटिव में जा रहे हो कि पॉजिटिव में, ठीक है, रेफरेंस का फर्क होता है। तो ये आपका आंसर है कि एन के लिए मिनिमम सेकेंड ऑर्डर होनी चाहिए, तब जाके एक का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमा पे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप मतलब जो भी है ट्यूब ये इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, तो मैग्नीफाइंग क्या होती है टेलीस्कोप की, सर मैग्नीफाइंग पावर होती है एफ ओ अपॉन एफ पी, मैग्नीफाइंग पावर होती है सर आपकी एफ ओ अपॉन एफ पी, ठीक है। और हमें सर एक और पता है कि सर एफ ओ प्लस एफ पी क्या होती है, सर ट्यूब की लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ओके। तो एफ ओ प्लस एफ ई क्या हुआ 40 के बराबर, आप बोलोगे यस सर। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे कितनी है एफ ओ अपॉन एफ ई, दैट इज 9, तो एफ ओ क्या आया 9 ऑफ एफ ई, तो 10 ऑफ एफ ई यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो क्या आया 40, तो फोकल लेंथ ऑफ मतलब आपकी
आईपीएस क्या है? 4। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, फॉर्मूला बेस सवाल था। अगला, व्हेन इलेक्ट्रिक बोर्ड डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2×10^5 एन न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी कितनी? सर 2×10^5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, 4 Nm का टॉर्क लगता है, ठीक है। चार्ज ऑन डाइपोल निकालना, मतलब चार्ज ऑन द डाइपोल निकालना है, क्या होगा अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 3 है सेंटीमीटर का। तो हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, PE साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क दिया हुआ है उसने आपका 4। पी क्या होता है सर, Q×L, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके 2×10^5। साइन थीटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, थीटा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। क्यू आपने निकालने हैं तो Q×L लेंथ की वैल्यू 3 cm, तो 10^-2, तो ये वैल्यू आ रही है 4/3×10^-3, आपका क्यू इस द आंसर। तो मिली कुलाम में आंसर है 4/3, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। चलो कोई ना कोई गड़बड़ होगी ऑप्शन में या टाइपिंग में, देख लेना। फॉर्मूला मैंने बता दिया, सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/2 ε₀ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केयर। सर जी ये होती है हमारी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सर ML2T-2/L³, तो होएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1T-2। कौन सा ऑप्शन है? सी, ठीक है। और सवाल है कि नहीं है सर? नहीं है। तो ये थे आपके HIO BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन, सारे फॉर्मूला बेस मैंने आपको करा दिए, जहाँ थ्योरी थी वो मैंने आपको थ्योरी बता दी, ठीक है। तो पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, 2022 के फिजिक्स पोर्शन कैसे आए थे मैंने आपको दिखा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल था वो एक मैं रखूंगा मॉडरेट की तरफ। अब क्यों मैं मॉडरेट की तरफ रखूंगा, देखो आपके पेपर में हर एक तरह के बच्चे आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्ट लेने, ठीक है। तो हर एक स्टेटा का जो बंदा है वो आता है, किसी का बैकग्राउंड, मतलब कोई नीट एस्पिरेंट है जिसका नीट क्लियर नहीं हुआ, कोई जेई का एस्पिरेंट है जिसका जेई का नहीं हुआ, उसके लिए ये पेपर कोई मतलब बड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़े, ठीक है। अगर उसने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है, जेई मेन की तैयारी अच्छे से की हुई है और उसका एग्ज़ाम वहाँ अच्छा नहीं हो पाया, तो वो अगर इस एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है वो अच्छे से ही सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि किसके लिए आसान है, किसके लिए मुश्किल है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट है ना, उनके लिए पेपर टफ है, टफ में रखूंगा मैं, मॉडरेट में नहीं रखूंगा। मॉडरेट में इसलिए नहीं रखता क्योंकि एक तो इसमें कैलकुलेशन फास्ट है, जो मैथमेटिक्स का बच्चा है उसके लिए ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, या मान लो इस टाइप के अंदर, इस टाइप से जो एक क्वेश्चन आया था आपका कैपिलरी वाला, या ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एक्टिविटी वाला, तो इस टाइप के क्वेश्चन में उसको देर नहीं लगेगी। लेकिन जो मेडिकल वाला स्टूडेंट है ना, उसके लिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो मेरा जो पर्सनल जो सुझाव रहता है बच्चों से कि मेडिकल वाले स्टूडेंट से, फिजिक्स में आप मेनली जितना हो सके NCERT 11th का फर्स्ट पार्ट और 12th का भी फर्स्ट पार्ट, ये दोनों तो बहुत अच्छे से मतलब फुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कई बार हमें होता है कि आंसर नहीं पता, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ न्यूमेरिकल आ गया, थोड़ा सा हाथ पैर मारने से वो भी हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहता है, NCERT का फर्स्ट पार्ट, 11th का और 12th का भी फर्स्ट पार्ट अच्छे से कवर करो। आपने खुद देख लिया 12th के NCERT पार्ट से मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चन आए, सिमिलरली आपका ऑप्टिक्स वाला पार्ट जो कैलकुलेटिव है वहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। ऐसे ही 11th के NCERT से लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन अच्छे अच्छे खासे थे। इसका मतलब उसका काम क्या है एग्जामिनर के माइंड में, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है। वो थ्योरेटिकल पेपर नहीं दे रहा, वो आपसे क्वेश्चन करवाएगा, वो आपसे वैल्यूज निकलवाएगा। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि वो ऐसा करेगा। तो जो मैंने आपको कहे कि NCERT दोनों के फर्स्ट पार्ट, 11th का भी 12th का भी, उसके न्यूमेरिकल पोर्शंस को अच्छे से कवर कर लो। हाँ, जो सेकंड पार्ट है, थर्ड जो अगले पार्ट है, उसमें आप थ्योरी करके जाओगे ऑलमोस्ट तो भी चल जाएगा, एक आधा फॉर्मूले वाइज आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। रेस्ट जैसे कैपिलरी का सवाल है या ये
जो कुछ एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, ये उन्हीं बच्चों से निकलते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है, ठीक है, जिन्होंने अच्छे तरह के नए नए क्वेश्चन लगा के देखे हैं। तो मेन अभी टाइम पड़ा है, एग्जामिनेशन अभी थोड़ा सा दूर है, तो जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे जोर दो, क्योंकि एनालिसिस से पता लग रहा है और पिछले 5 साल के एनालिसिस से भी यही देखा जा रहा है कि थ्योरेटिकल वो नहीं देने वाला, वो आपसे न्यूमेरिकल निकलवाएगा। अब लेकिन जैसे ये न्यूमेरिकल है डाइपोल वाला, या जो ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने जो स्क्रीन पे है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए एक जैसी बात है। तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, जो आपके कल वाले जो क्वेश्चन थे कुछ एक इंपॉर्टेंट जो अब आपके ये कैपिलरी वाले थे, यहीं से होगा। तो इन तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना या मेल कर देना, ओके। तब तक के लिए मिलेंगे अगले एग्जाम में, मतलब अगले एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट विशेस, अच्छे से तैयारी करना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।